सुल्तानगंज का ये दंगा था। हाँ भैया, अब यहाँ से 120 किलोमीटर टुन 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 टुन। हमें अभी सुल्तानगंज में और यहाँ से 120 किलोमीटर का दूरी देवघर तक बाबा की नगरिया चलेंगे। काफी धूप है। पर भैया 120 किलोमीटर की जर्नी शुरू करने से पहले हम पहुँचे सुल्तानगंज। सुबह सुबह गंगा में डुबकी मारा, जल उठाया, संकल्प करवाया, एंड नाउ वी आर रेडी टू गो। करने के पश्चात कांवरिया श्रद्धालु कांवर की पूजा अर्चना करते हैं। पर ये जर्नी जितनी हमें आसान नजर आ रही थी ना, उतनी थी नहीं। क्योंकि जब जब हमारे पेट में कोई अन्न का दाना जाता या फिर अगर हम कहीं सो जाते तो हमें उठ के नहाना भी पड़ता और साथ साथ जो जल हम ले जा रहे थे उसे मनाना भी पड़ता, कुछ इस तरह। भैया आ चुके हैं 16 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से और अभी रास्ते में पैर एकदम जकड़ लिया है, आगे चला नहीं जा रहा है। लाने आगे 4 किलोमीटर दूर आसपास असरगंज है, वहीं पे ठहरने का। देखते हैं आगे सफर कैसा रहता है और बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और कुछ देखना बाकी है। पहला दिन तो गुजर गया, अब आया दूसरा दिन। सेम रूल्स, अगर सोए हो तो नहा लो और अगर पहले दिन में जो जो ज्यादा ही चल रहे हो तो ये भी करवा लो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका विजय के पश्चात अयोध्यापति प्रभु श्री राम ने सर्वप्रथम इस कांवर यात्रा की शुरुआत की। इतने धूप में चलते चलते एक कुटिया में आए, वो उस कुटिया में पता चला कि एक माता रहती है और सभी को शुद्ध गंगा जल पिलाती है और उनका मानना है कि गंगा जल पी के अच्छे अच्छे कैंसर वाले पेशेंट भी ठीक हुए हैं। तो चल के देखते हैं और उनसे बात करते हैं कि कैसे क्या है। ठीक है, आइए। हम क्या और हमारे पीछे वो माता है जो गंगा जल पिलाती है और अच्छे अच्छे कैंसर पेशेंट को भी ठीक की है, इनका कहना है। और आसपास का कोई रोग को भी ठीक की है, आसपास का लोग भी ऐसा बताए हैं। चलिए माता से बात करते हैं और जानते हैं। माता कहिए आप अपने बारे में क्या कहेंगे। आप कब से यहाँ रह रहे हैं और इस कुटिया में? इसमें कुटिया में है मात्र 3 साल। 3 साल से इस कुटिया में है और ऐसे ही जितने भी बम लोग आते हैं सबका सेवा आप करते हैं। और ऐसा सच में है कि उस गंगा जल में आप जो जिस हाथ से पिलाती है उसका ऐसा बीमारी ठीक हुए हैं? समय लगता है लेकिन कितना परसेंट अभी तक तो ये ऐसा नहीं लौट के गए हैं जो नहीं ठीक हुए हैं। जो 3 दिन पीते हैं वो डॉक्टर के पास। और ये हमें बताइए कि आपको ये अच्छे काम करने में मतलब अंदर से बहुत खुशी आता होगा या बहुत आनंद आता होगा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, तो ये मतलब मोटिवेशन कहाँ से आया आपके अंदर जो ये करना चाहिए? अच्छा बात है या बाबा तो मिल लीजिए इनसे। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है, सब पे बना हुआ है, इनके हाथ से जो जल पीता है उनका कल्याण होता है। और आप लोग भी आइएगा तो इस कुटिया में, इनके कुटिया में जो रहिएगा, इनके सेवा का आनंद लीजिएगा और कोशिश करें कि इस माता को कुछ मदद करे ताकि इनका भी कुछ चले रोजी रोटी। अभी तो कोरोना के कारण सबको समस्या हो ही गया है कुछ। नहीं तो हमको भोलेनाथ का जो बताया हुआ है तो बताते करना, वायरस वाले को भी पिलाना, चुकना नहीं है, छूने से डरना नहीं है, तुम्हारी बॉडी में सटेगा नहीं वो रोग। तो यहाँ और लोग हैं, उनसे हम लोग के साथी आए, उनसे पूछते हैं कि जल पिए कैसा लगा, कैसा मतलब इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी बताइए अंकल, आपका क्या राय है, यहाँ गंगा जल पिए आपको कैसा लगा, इनके सेवा लेके कैसा महसूस कर रहे हैं? ये माता जी बताई थी, ये दंडी आश्रम है, वर्षों से इस आश्रम में ये सेवा कर रही हैं बम लोग। पहली प्राथमिकता तो दंडी बम के लिए है, उसके बाद और भी अन्य बम अगर आते हैं यहाँ तो उनकी सेवा ये तन मन धन से करती है, जहाँ तक संभव इनसे हो रहा है सेवा में कमी नहीं है। खास कर गंगा जल की महिमा को इन्होंने बड़े विस्तृत रूप में बताई है कि माता गंगा की भी प्रेरणा इनके ऊपर है और माँ गंगा की प्रेरणा से ही जलशयन में कई वर्षों तक रही है, गंगा जी में जलशयन करती रही है। कुछ अध्यात्म के दृष्टिकोण से ऐसी साधना प्राप्त इनको हो गई है, जिस साधना के बल पर ये गंगा जल के द्वारा ही भिन्न भिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों का ये उपचार किया है। और इनका कहना है कि अभी तक एक भी ऐसा कोई असाध्य रोग से ग्रसित लोग यहाँ तक नहीं आए हैं जो यह नहीं कह सके कि हमने जो दवा दी है इनको गंगा जल के रूप में उसे वह ठीक नहीं हुआ हो। ये तो जांच पड़ताल करने का विषय है कि अगर कुछ ऐसे पेशेंट का नाम ही बताएं तो वहाँ तक जाकर उनसे पूछा जाए कि सही ये वास्तविकता क्या है। वैसे मैं इस वास्तविकता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इन्होंने जो कही है ब्लाइंडली बिलीव करते हुए मैं इस बात को मान रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी धर्म के रास्ते पर हूँ। धर्म की कोई ऐसी व्याख्या नहीं है, आस्था से जुड़ी हुई बात है, लोग आंख मूंद के विश्वास करते हैं। देखते हैं उनके कुटिया का हाल, इसी डेट पे वो सोते हैं, आराम करते हैं। अभी माता है जो वहाँ खाना पीना अपना करते हैं, रोजी रोटी इनका यही है, सबका सेवा करना। गंगा जल का डब्बा आप देखिए, ये डब्बा है, ये गंगा जल का सेवा, गंगा जल से ही स्नान भी करती है, भोजन भी करती है और टोटल हर एक रोज गंगा जल सुल्तानगंज जाके वहाँ से गंगा जल लाना और वहीं से पीना, ये इनका कुटिया है, टोटल व्यवस्था है। हम लोग आते हैं तो आपसे अनुरोध है कि अगर आए तो इस कुटिया में जरूर आए। ये कुटिया मोड़ से आगे है, 2 किलोमीटर पहले है और मंगिया मोड़ से आगे है। माता के कुटिया में जरूर आए, जरूर इनके सेवा का आनंद लें। भागलपुर मुंगेर होते हुए ये कांवरिये बांका जिले में प्रवेश करते हैं। तेरे
तेरे शरण में पाया सभी वरदान है। तीन लोक में बाबा सबसे महान दे झोली हो भक्तों को बाबा औढ़ दानी है। तेरा लगा है डेरा हर दम सागर मुझे गोद उठा लीजिए दिग्नी तकदीर को बना दीजिए दिग्नी तकदीर को। पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का कांवर के प्रति समर्पण और सावधानी देखते ही बनती है। लंबी यात्रा की थकान से चूर श्रद्धालु जब कहीं भोजन या विश्राम के लिए रुकते हैं तो कांवर को ऐसी जगह रखते हैं जहां इसका संपर्क पृथ्वी से ना हो। कांवर को पुनः अपने शरीर पर धारण करने से पहले इन्हें अपने आप को स्नान कर पवित्र करना होता है। अरे महादेव दोस्तों, जब आप कांवर यात्रा कर रहे हो तो आपको रास्ता में इनारावरण में देवघर से 24 किलोमीटर पीछे आपको एक जगह मिलेगा जहाँ का फेमस पराठा है। और पराठा का साइज देखिए पता लगेगा कि क्या साइज है। वो ये बंगला आश्रम है, वहीं पे ये सब अवेलेबल है। आप खा सकते हैं, जाना तो जरूर चक के जाना। मैं चल के पराठा खाता हूँ, आप लोग बने रहो मेरे। देखिए भूत बंगला आश्रम है जहाँ पे सब ठहरता है और इधर ये लोग पराठा बनाते हैं। पराठा का साइज देख के आप लोग समझ में आएगा पराठा कितना फेमस है। और इधर से जो भी जाते हैं वो सत्तू का पराठा, आलू का नहीं है, आलू का रहता था ना, अच्छा सत्तू का ही बनता है। तो सत्तू का ही पराठा यहाँ पे मिलता है। वैसे देखो भैया बना रहे हैं पराठा। देखो भैया पराठा को रोल कर रहे हैं और पराठा का साइज देखें, एक पराठा यहाँ पेट भर जाता है, इतना बड़ा पराठा रहता है। और चक्के भी आपको टेस्ट बताएंगे कितना स्वादिष्ट रहता है यहाँ पराठा। आप लोग कांवर यात्रा कर रहे हो तो पराठा जरूर चक्के जाएं। ये भूत बंगला का आश्रम के जस्ट बगल में इनका दुकान है। और देखो भैया बेल भी लिए, अब इसको इस बड़े से ताबे पे डालेंगे। अच्छा आप लोग ये पराठा कैसे है, एक रुपये पराठा कैसे बिकता है? देखिए भैया बता रहे हैं 50 रुपये प्लेट है और एक खाने एक आदमी का पेट भर जाता है, दूसरा का तो मांग ही नहीं करता। कितना ही बड़ा पेट हो फिर भी एक पराठा में बहुत है। चलिए फिर खा के देखते हैं, पकड़ के देखते हैं, बताते हैं कैसा है। भैया तो बता रहे हैं बहुत ही अच्छा है, वैसे इससे पहले भी मैं खाया हूँ, इधर से जाता था 2013 में लास्ट खाया था यहाँ पे, उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। चलिए खाते हैं देखते हैं फिर। ये देखिए अचार है, सब्जी डालनी है और हरा मिर्च और नमक और एक पराठा। बिहार और झारखंड दुनिया भर से आए हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है। इसे इस भगवा रंग का असर कहिए या फिर कांवरिया श्रद्धालुओं की आस्था, यहाँ सारे भेदभाव मिट जाते हैं और सभी की एक ही पहचान होती है। कंधे पर गंगा जल से भरा कांवर और बोल बम का नारा। जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय।
लेने हैं। अभी आरती हो रहा था थोड़े पहले, आप लोग देखें, और अभी देखिए सिंगार हो रहा है महादेव जी का, जो कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है पीछे मेरे। देखिए मेरे पीछे धीर, जो कि आरती होने के बाद सिंगार का इंतजार कर रहा है, वो टीवी में सिंगार चल रहा है, पीछे सिंगार तक सब बैठे रहेंगे सर। और भजन कीर्तन स्टार्ट है, महादेव की भक्ति में लगते हैं, और देखते हैं सिंगार अंत तक दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। पीछे हमारे महादेव के मंदिर बाबा के सामने यहाँ कीर्तन हो रहा है, सभी लोग नॉर्मल लाइव है, जहाँ बनेंगे यहाँ पे कीर्तन बाबा के करेंगे, पीछे लाइव चल रहा है, आगे इस स्क्रीन में देखिए यहाँ पे कीर्तन है और पीछे लाइव चल रहा है। सिंगार देखने के लिए बैठ चुके हैं, बाबा का सिंगार जो है स्टार्ट हो चुका है, और इधर कीर्तन के स्टार्ट है, बाबा का सिंगार देखने के लिए बाबा के दरबार में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, सिंगार देख रहे हैं। ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये भजन कीर्तन हो रहा है, क्योंकि अभी भोलेनाथ सिंह का भजन हो रहा है, जिसे बाबा के दरबार में हो रहा है, और बाबा के दरबार में इतने भीड़ है, इतने श्रद्धालु आए हुए हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे, चलिए बाबा की मस्ती में भूल जाता है। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु है जो इधर आइए, ये लोग भी बिहार से ही है, मुजफ्फरपुर से, बोल बम बोलिए, और ये लोग भी अपने मनोकामना का पूर्ण करने के लिए दरबार में आए हैं, शांति आरती में शामिल हुए हैं, और आरती का देखा क्या क्या मांगे बाबा से? बाबा से शांति के लिए पढ़ना चाहिए, चलिए इनकी शांति और सभी कुछ बाबा पूरा करे, और यही मनोकामना है। आप लोग भी आइए बाबा के दरबार में, शाम को आरती होता है इसी टाइम, और अभी सिंगार हो रहा है सामने, भजन कीर्तन हो रहा है, फोटोग्राफर साहब इधर आ चुके हैं फोटो खींचने के लिए, है ना, जहाँ देख रहे हैं कुछ अच्छी छूट मिल जाए, छूट छूटी अभी बाबा का सिंगार ही हो रहा है सामने, देखिए आप सामने वाली स्क्रीन पे बाबा का सिंगार पंडा जी कर रहे हैं, और बाकी पंडित जी लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं यहाँ पे, और सबसे मेरे सामने इधर है भजन कीर्तन ढोलक उलक झाल सब बजते हैं, जय वैद्यनाथ की जय, हर हरे 108 श्री श्री 108 रामेश्वर बाबा वैद्यनाथ धाम, और सामने वाले सामने महापति माँ पार्वती का, और इसी दरबार में अभी सामने आरती हुआ है, और भक्तजन यहाँ बैठ के उनका सिंगार देखने के लिए बैठे हैं, सिंगार सामने वाली स्क्रीन पे लाइव दिखाया जाता है, अंदर सभी को सिंगार में शामिल होने का अलाउ नहीं है, कोरोना कारण या और भी रीजन हो सकता है, पर हमें लगता है कोरोना, तो बाहर से ही सभी भक्तजन बैठ के सिंगार यहाँ से देखते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि निःशुल्क है। मांगेंगे उनका पूर्ति भी होता ही है, अभी बाबा को हल्दी लगाया जा रहा है, आती तो हो गया, ये देखिए अभी सिंगार होना स्टार्ट हो चुका है, बाबा बाबा को फूल माला और बेलपत्र से अच्छे से निवेदन किया जा रहा है, देखिए बाबा को सिंगार से भर दिया गया पूरा, बाबा को पाक बनाया गया है, बाबा का सिंगार कंप्लीट होने वाला है, और पीछे भक्तजन जो देखिए जो सिंगार कंप्लीट हो गया, भक्तजन अभी हम 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 बैठ के वही देख रहे हैं, अरे महादेव चलते हैं पूजा पाठ करके चलते हैं, आरती हो रहा है बाबा बाबा का आरती, तो ये थी हमारी 120 किलोमीटर की जर्नी, कुछ हमने पैदल कवर किया, कुछ ख्वाहिशें पूरी हुई और कुछ नए एक्सपीरियंस हमने गेन किया। आई नो कि ये वीडियो काफी लेट पोस्ट हो रही है और बहुत कुछ हम आपको नहीं दिखा पाए, पर जैसा भी है आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी।